मैं पहले आप सबको मेरा वाल्मीकि नगर सेक्टर के सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं बधाई है। हाँ, अब मैं दो बार का कोकराझार का आधा सांसद था, तो हम लोग ने GSP पार्टी बना लिया, गण सुरक्षा पार्टी, लोगों को सुरक्षा के लिए। तो हम लोग ने 10 साल में सारा देशभर में सोशल पॉलिटिकल कैंपेन किया था, तो हमारा दलित भाई, आदिवासी भाई, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी, उसका जो हक अधिकार है, उसका जो जल जंगल जमीन का लड़ाई है, उसी को हम सक्सेस करने के लिए सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो कोकराझार में हमारा नॉमिनेशन एक षड्यंत्र के तहत कैंसिल किया गया, तो हमारा देशभर का जितना सारा पार्टी का किरदार है, नेता है या शुभ चिंतक है, सब ने बोला जरा आप यहाँ लड़ो यहाँ लड़ो। तो फाइनली हम लोग वाल्मीकि नगर से लाने का राजी हो गया और यह हम आ गया, क्योंकि आपको पता है यह हमारा दलित भाई के साथ साथ आदिवासी भाई अति पिछड़ा लोग बहुत है, इवन यह माइनॉरिटीज भी बहुत है, और सब लोग चाहते हैं यह एक विकल्प चाहिए, विकल्प चाहिए। और वाल्मीकि नगर लोकसभा हो या विधानसभा एक नंबर में आते हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है बिहार का सबसे पिछड़ा ये एरिया है, मतलब पिछड़े में सबसे फंस आते हैं। हाँ, इसलिए मुझे लगता है यह एक विकल्प का तलाश भी है, और यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे हम लोग, देश के कोने कोने में ये मैसेज भी जाएगा, और आने वाले दिन में हम जो सोच रहे हैं एक महाबदलाव का, यही का भी शुरुआत यहीं से होगा। ये क्या सोचे, क्या करेंगे? देखिए, आदिवासी का जो इशू है, पहले हम बिहार में जब हमने आया यहाँ पे, मैं प्रोग्राम करके गया था यहाँ पे, तो मुझे पता चला कि बिहार में गवर्नमेंट ने पहले छुपाया था आदिवासी का जो संख्या, क्योंकि अगर 2% होता उसको ये मिल जाता, लेकिन उन्होंने 2% नहीं या 1.5% तक सीमित कर, लेकिन अभी तो जनगणना हो गया। तो मैंने ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था, और हम सारा देशभर का जो आदिवासी है भाई, उसको एक करने का हम पूरा नेशनल लेवल में प्रयास कर रहे हैं। हम ही एक व्यक्ति है जो आदिवासी के लिए इतना पार्लियामेंट में बोलते हैं, चाहे गोंड के लिए, सरसों के लिए। तो आदिवासी भाई सब पे हमको पता है, लीडर लोग को पता है, और हमने सबको अपील भी किया था पहले से, और कोशिश भी किया था सबको मिलने मिलाने का, क्योंकि यह आदिवासी का जो इशू है, ना कोई पढ़ाई पे कुछ है, ना शिक्षा पे कुछ, स्वास्थ्य पे कुछ है, पानी का नाम पे बोलते हैं घर घर नल, घर घर जल, लेकिन कोई घर पे कोई नल नहीं, कोई जल नहीं है, उसका ज़मीन का इशू है, कोई पत्ता नहीं मिला है, वो जो किसान है उसको कोई भाव नहीं मिलता है। तो ऐसा करके आदिवासी का आप गिन नहीं सकते, उसका ज़मीन का इशू है, उसका फिर अपने को कोई सत्ता में नहीं है, इसलिए किसी को उसका सत्ता का जो लाभ मिलता है बाकी को नहीं मिलता है। मुझे लगा ये सब के लिए हम जरूर आदिवासी हमको साथ देंगे, हम उनके साथ देंगे आने वाले दिन में, और साथ साथ दलित का भी ऐसा, कल ही हमारा सोचा हुआ था, यहाँ बहुत सारे लोगों को मकान नहीं मिलता क्योंकि उसके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो बहुत ज़मीन है, उसके पास पत्ता नहीं है। तो हम मुझे लगता है हम जब संसद बनेगा तो यहीं से हम जरूर अच्छा शुरुआत करेंगे। और देखिए, और दूसरा बात है, यह जो RJD और JDU का है, JDU का जो है यादव जी, वो तो BJP का था, मतलब जो ये महागठबंधन में जो आया है, तो अभी यह आ गया, तो मतलब ये कोई विचारधारा का लोग नहीं है, कभी भी पलट सकते हैं, अगर जनता वोट भी देगा वो कहीं भी भाग सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे हूँ। दूसरा बात है, यह जो ये JDU का जो कैंडिडेट है, वो बाप के नाम पे यह MP बना हुआ है, और लोग बोलते हैं ना सड़क का कुछ किया, ना लोगों का कुछ किया है, लोग उसको मिलते ही नहीं है। तो आप मेरे क्षेत्रों का लोगों को, अगर आपका बिहार का बहुत सारे लोग है पूछेगा, तो पता चलेगा मैं कभी भी लोगों को छोड़ता नहीं हूँ, लोगों के साथ अगर मैं एक्टिविस्ट जैसा हूँ, और मैं दूसरा MP जैसा बनना भी नहीं चाहता हूँ। तो यह भी रोड जंगल रस का बात भी है, आप देखिए मैं जिस क्षेत्र का हूँ वहाँ हजारों के तादाद में मेरा अपोजिशन के पास एक भरी चेमन था, उन्होंने जर जबर से वसूला था, ये करता था, बहुत सारा कुछ करता था, लोगों को भगाता था, 30 साल में 50,000 लोगों को मार दिया, लाखों लोग बेघर हुआ, माइनॉरिटी से लेके दलित से लेके आदिवासी से लेके, लेकिन कुछ तो कर नहीं पाया। जिस दिन हमने इलेक्शन लड़ा, MP बना, उसके बाद ये धीरे धीरे खत्म हो गया, आज पूरा शांति है। पहले तो दिन में भी कोई घूम नहीं सकते, आज रात 3-4 बजे भी घूम सकते हैं, माहौल ऐसा अच्छा है, अच्छा बना है।
तो मेरा अपोजिशन को पता था अगर मैं इस बार इलेक्शन लड़ा मेरे कैंपेन का जरूरत नहीं है, तो इसलिए पहले भी हमारा पत्ता काट दिया। जो भी हो, अभी हम वहाँ हमारा कैंडिडेट निकल के आया है, तो अभी वाल्मीकि नगर देखना है। मैं सारा भाइयों बहनों को सबको यही गुजारिश है। एक सवाल और है, क्या आप अपना राजनीतिक क्षेत्र वाल्मीकि नगर बिहार को बनाएंगे क्या? देखिए, हमारा वाल्मीकि नगर का हम चाहे एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे रोड में हो, और चाहे हमारा रोजगार में हो, और यह का आदिवासी का जंगल जमीन का इशू है, और बाकी लोगों का दलित से लेके, ये सारा इशू जो है हम जरूर एड्रेस कर पाएंगे। यह का पिछले जो संसद है, लोग बोला है वो कभी किसी ना पार्लियामेंट में बोलता है ना लोगों के पास जाता है। उनके पास बहुत चांसेस था, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रूलिंग पार्टी का था, वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन किया नहीं। तो इसलिए हमारा यही मानना है, अगर कोकराझार लोग 2-3 बार हमको वोट दे सकते हैं विश्वास पे, मैं भी वाल्मीकि नगर का लोगों का एक बार यही बोलता हूँ, आप हम पे भरोसा कीजिए और हम आपको साथ लेके जरूर वाल्मीकि नगर का जितना सारा इश्यूज है, किसान से लेके सब इश्यू हम सॉल्व करने की आपके साथ प्रयास करेंगे। हम नहीं बोलेंगे हम कर पाएंगे, लेकिन आप अगर हमको साथ देंगे जरूर ये कर पाएंगे। हमारे पास पॉलिसी भी है, हमारे पास देखिए एक सीधा सा बात बोल रहा हूँ, अगर एमपी का जो निधि होता है वो खर्चा करना का है तो एक नंबर में हम आते हैं। यह सुनने में आया है वाल्मीकि नगर का जो सांसद है वो अपना निधि भी खर्चा नहीं कर पाता है, तो ये तो कर सकते हैं, कम से कम ये तो काबिलियत होना चाहिए। मैं सीधा से बोलता हूँ, ये कमी कुछ भी नहीं होगा आपका, जरूर हम सेवा करेंगे। हम सेवक हो, क्योंकि हम जिस दिन से थोड़ा हम पॉलिटिकल या सोशल नॉलेज हुआ उसी दिन से हम घर सो के गया था, और आज तक हम वही जैसा वाल्मीकि जैसा है हम, क्योंकि हमारा कोई इधर उधर नहीं है, हम जहाँ जाते हैं उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो यह जो लोग जिस हालत में है, देखिए हम पटना में अति पिछड़ा मोर्चा का हमने ये अधिवेशन में आया था, तो वही में तय हुआ था कि उत्ती विषय को भी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए, ग्राउंड चाहिए, क्योंकि उत्ती विषय के नाम पे यह पिछड़े के नाम पे यह नीतीश जी लालू जी सब ने सिविल से बना, लेकिन उत्ती विषय को उन्होंने छोड़ दिया, और यह दलित और आदिवासी की हालत और माइनॉरिटी का हालत तो वही का बराबर है। इवन यहाँ का जो अपर कास्ट का लोग है वो भी खुश नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ बहुत सारा बंधु है अपर कास्ट का, पहले से हमारा साथ था, हमको मिला था, तो उन्होंने बोला जो हमारा अपर कास्ट का लोग भी किसी को बिलीव नहीं कर सकते। अब देखिए कांग्रेस ने पत्ता करके जेडीयू को दे दिया, हो सकता है वो लोग बोलते हैं सारा पैसा वैसा दे के उन्होंने टिकट खरीद के लाया है, ये शुगर मालिक है, लेकिन शुगर ये गन्ना किसान को ये मतलब शोषण करता है। तो मैं गन्ना किसान और हमारा फार्मर को हम एक पॉलिसी बनाए हैं, मतलब जहाँ हमको गन्ना किसान है उसको मालिक बनाना है, इसी दिशा में हम करेंगे, क्योंकि सदियों से हमारा लोग सिर्फ किसान ही बन गया है, मालिक बन नहीं पाया। कोई मतलब हरियाणा से आएगा, कोई बाहर से आएगा, वो मिल बिठाएगा, फिर सारा गवर्नमेंट का जो सब्सिडी वो लूट के लेके जाए, किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। किसान जिस हालत में है, इसे यह तो ज़्यादातर किसान ही है, उसका जमीन भी इतना नहीं है, और जो सरकार से सुजोग सुविधा मिलना चाहिए वो तो मिलता नहीं है। मोदी जी पार्लियामेंट में बोलते रहते हैं, नीतीश जी असेंबली में बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है हम यहाँ का जितना सारा सोशल वर्कर है या पॉलिटिकल, देखिए हम बहुत सारे सैनिक लोगों को मिला है, तो उन्होंने भी बोला है हमारा टिकट तो मिल गया लेकिन टिकट किसी को बिक दिया गया, तो हम क्या करेंगे। वो बेचारा लसर था, लेकिन जब सुन में आया जो हीरा भाई आ रहे हैं, नवसरने आ रहे हैं, तो वो भी खुश है। मुझे लगा ये सारा लोग हम एक साथ मिल के सिर्फ वाल्मीकि नगर हम निकलेंगे नहीं, सारा बिहार में या देश में एक महाबदलाव का शुरुआत यहीं से करेंगे हम।